नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर लगातार सुर्खियों में रहता है, क्योंकि वो जेल में ऐसे ऐसे खुलासे करता है जो सबको हैरान कर देते हैं। सुकेश जेल में बैठकर चिट्ठी लिखता है जिससे बड़े बड़े खुलासे होते हैं। बीते दिनों सुकेश ने जेल में सिसोदिया को लेकर खुलासा किया था। इसी तरह एक बार फिर उसकी चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें महाठग ने जेल के डीजी को पत्र लिखकर अपने जन्मदिन के अवसर पर महादान करने की पेशकश की है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर डीजी को भेजी है जिसमें कहा गया है कि वो अपने जन्मदिन पर 25 मार्च को 5,11,00,000 रुपए की मदद उन साथी कैदियों को देना चाहता है जो अपनी जमानत राशि भरने में सक्षम नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर ने आगे लिखा है कि जेल के मेरे साथी कैदी जो कई साल से जेल में हैं और जिनके घरवाले उनकी जमानत राशि भर नहीं सकते, खासतौर से जिनके बच्चे छोटे हैं, मैं उनके लिए बेल बॉन्ड भरना चाहता हूं। सुकेश ने खत में लिखा है कि मैं 2017 से जेल में हूं और इतने वर्षों में मैंने पहले भी अपने करीब 400 साथी कैदियों के बेल बॉन्ड भरने या उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए मदद की है। सुकेश ने कहा कि अगर डीजी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो वो अपने इनकम टैक्स के सभी दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि जिस राशि का उपयोग वो करने वाले हैं वो वैध तरीके से कमाई गई है। सुकेश कहते हैं कि दिल ये देखकर दुखता है कि पैसों की कमी के कारण कैसे लोग वर्षों तक जेल में सड़ते हैं। ये सहायता में दिल्ली के जेल में कैद मेरे साथी कैदियों के लिए करना चाहता हूं ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके। मैं 5,11,00,000 रुपए की राशि साथी कैदियों की भलाई के लिए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देना चाहता हूं। आपको बता दें, सुकेश मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में लंबे समय से सजा काट रहा है। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।